Hello guys, welcome to our channel. This is Arun Yadav and thank you so much guys. मेरा जो last video था Epson TW7100 review video, आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया. Thank you so much. आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर Epson का newly launch model TW5820. This is the first model जो कि India में built-in Android TV के साथ में आया हुआ है. एंड दिस इज़ दी अपग्रेड ऑफ एप्सन अर्लियर जो मॉडल आया करता था TW5650. एप्सन का 5650 मॉडल काफ़ी मच पॉपुलर मॉडल हुआ करता था इस कैटेगरी का. तो ये जो मॉडल आया है 5820, तो इसमें कुछ चेंजेस के साथ में लॉन्च किया है एप्सन ने. फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो 70:1 है एंड दी ब्राइटनेस 2700 लूमेंस है. दैट इज़ मच बेटर कि अगर हम लाइट्स ऑन करके भी देखते हैं तो वी कैन वॉच इट. इसकी जो MRP रखी हुई है एप्सन ने वो रखी हुई है 1,27,000 एज पर दी इंडियन रुपीज. एंड बिल्ट इन एंड्रॉयड TV के साथ आया तो सो नाउ वी डोंट रिक्वायर टू पुट एनी अदर एडिशनल एंड्रॉयड TV बॉक्स, स्टिक, लैपटॉप, डेस्कटॉप. वी कैन जस्ट easily connect to the internet and watch our favorite content. अगर हम बात करते हैं तो आप ये बॉक्स की पैकेजिंग देख लें. ये बिल्ट इन एंड्रॉयड TV के साथ में आया हुआ है एंड इसके साथ जो हमें मिलते हैं ऑप्शंस, ब्लूटूथ ऑडियो मिलता है सो वी कैन कनेक्ट ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइसेस. एंड एक 3D ग्लास इसके साथ में आता है सो दैट वी कैन वॉच ईजली 3D मूवीज. तो हम 3D मूवीज भी देख सकते हैं. एंड द पावर केबल, एक जनरल स्पेसिफिकेशन जो बॉक्स में निकलता है, एक पावर केबल हो गया, इसका एक सेपरेट रिमोट. जैसा कि हम जानते हैं कि एप्सन के जितने भी प्रोजेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं, डिजाइन बहुत प्यारी होती है, पोर्टेबल्स होते हैं. ऐसा ही इस बॉक्स के अंदर है. काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है प्रोजेक्टर की एंड स्क्रैचलेस फिनिशिंग के साथ में आता है सो दैट जनरली हम जब कैरी करते हैं तो स्क्रैचेस नहीं आते हैं. एंड अगर हम बात करते हैं तो इसका जो जूम रेशियो दे रखा है वो 1.6 जूम दे रखा है सो दैट वी कैन वॉच बिगर मूवी साइज, बिगर स्क्रीन साइज फ्रॉम दी लेस डिस्टेंस. और इसमें जो डेडिकेटेड पोर्ट दिया गया है उसके अलावा एक HDMI पोर्ट दिया गया है बिल्ट इन एंड्रॉयड TV के अलावा. अगर हमें कोई लैपटॉप डेस्कटॉप कनेक्ट करना है तो वी कैन कनेक्ट फ्रॉम दैट. बिल्ट इन स्पीकर्स दिए गए हुए हैं 10 watts के सो दैट अगर हमें सेपरेट डिवाइसेस, कोई भी ऑडियो हम नहीं यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन यूज़ दीज स्पीकर्स एज वेल. सो नाउ हम चेक करने जा रहे हैं कि इस बॉक्स में और एक्चुअल में क्या क्या आइटम्स हैं. तो हम प्रोजेक्टर को साइड में रखते हैं एंड लेट्स सी कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है. जैसा कि हमने बोला था, एक ये 3D ग्लास है टू वॉच 3D मूवीज. इसके अलावा पावर केबल है एंड रिमोट्स. इसके साथ में हमें 2 रिमोट्स मिलते हैं सेपरेट. एक रिमोट हमें मिलता है टू ऑपरेट द प्रोजेक्टर एंड सेकंड वन फॉर द एंड्रॉयड TV. एंड्रॉयड TV जो रिमोट है इसके साथ हमें कुछ डेडिकेटेड प्रीसेट कीज मिलती हैं सो दैट वी कैन जंप टू दी दैट एप्लीकेशंस लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, यूट्यूब हो गया. दीज आर दी सम बेसिक कीज एंड लेट्स ये हमारा बेसिक चीज़ है. लेट्स स्टार्ट दी प्रोजेक्टर. लेट्स सी कि इसकी ब्राइटनेस है वो कहाँ जाती है और कैसे यूज़ हो रहा है. बेसिक प्रोजेक्टर है, वी डोंट रिक्वायर टू डू सो मेनी सेटिंग्स टू यूज दिस. जस्ट प्लग इन प्ले है. वी जस्ट नीड टू कनेक्ट द वाईफाई टू प्रोजेक्ट एनीथिंग ओवर द एंड्रॉयड TV और HDMI जो पोर्ट दिया गया है उसके साथ हम सिंपली अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं. अभी हम करंटली यहाँ पे 120 इंचेस की स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं 16:9 फॉर्मेट की.
एंड बाकी इस प्रोजेक्टर के अंदर हमें जो मिलता है वो मोशन फ्लो उसका काफ़ी स्मूथ है, इसका फ्रेम रेट बहुत अच्छा है, सो दैट वी कैन वॉच ईजली मूवीज, वी कैन प्ले द वीडियो गेम्स। तो ये प्रोजेक्टर जो डिज़ाइन है ये दोनों तरीके से डिज़ाइंड है, फॉर द स्ट्रीमिंग, फॉर द ब्राउजिंग, फॉर द गेम्स, सो वी कैन डू एनी थिंग वॉट एवर वी वॉन्ट। सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू ओपन द इंटरफेस ऑफ एंड्रॉयड। कह सकते हैं कि इसकी स्पीकर की आउटपुट हमें इतनी अच्छी लगी, बट यस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक चीज़ डाली हुई है इन्होंने, सो दैट अगर हमारे पास कोई सेपरेट स्पीकर्स नहीं है तो वी कैन वॉच द मूवीज़ एंड वीडियोज। सो ये तो था, मैं डायरेक्टली लैपटॉप कनेक्ट करके चला रहा था, नाउ मैं इसको स्विच कर रहा हूँ टूवर्ड्स एंड्रॉयड। ये इसका एंड्रॉयड टीवी का इनिशियल होम पेज है, जहाँ पे ये पूरा आपका एंड्रॉयड टीवी का फील आपको दे रहा है कि हमें कौन सी वीडियो चलाने हैं, प्राइम चलाना है, नेटफ्लिक्स चलाना है, वॉट एवर। हमें कंप्लीट एक्सेस दिया गया है, ये हमारे पास प्ले स्टोर है, और वंस वी हैव सेटल्ड विद द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ऑफ गूगल, देन वी कैन यूज एंड वी कैन डाउनलोड द डायरेक्टली एप्लीकेशन टू द प्रोजेक्टर लाइक दिस। वी रिक्वायर टू साइन इन। तो ये इस तरीके से इंटरफेस रहेगा, एंड वी कैन यूज माइक एज वेल टू सर्च द कॉन्टेंट जो हमें प्ले करना है। तो गाइज ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको शेयर की है, बाकी इसकी कंप्लीट डिटेल्स और जो ब्राउशर्स है उसकी कुछ डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल इन फ्यूचर वेन एवर यू वांट टू गेट दी ऑल डिटेल्स वी कैन शेयर विद यू। अभी तक ये एंड्रॉयड टीवी का फर्स्ट एप्सन का मॉडल है और इसका जो रिव्यू है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये बेसिक प्राइस रेंज है जो 1,26,000 की सीरीज़ में आ रहा है, और हमें यहाँ पे हम एक बिगर स्क्रीन के साथ जा सकते हैं। लाइक अगर हम टीवी यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम जो हमारे पास साइज आता है दैट इज़ 98 inches, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर हम इस प्रोजेक्टर के साथ जाते हैं तो हम वी कैन गो टू 120 inches, 150 inches, 180 inches। प्रोजेक्टर सपोर्ट करता है अप टू 300 inches डायगोनल स्क्रीन साइज, डिपेंड ऑन दी रूम साइज़ और डिपेंड ऑन दी